बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि परिचय के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखिए। यूनिट फर्स्ट, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऑटोमोबाइल्स का इतिहास और विकास। बच्चों, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि इसका कंटेंट्स क्या है, इस सब्जेक्ट का कंटेंट्स क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। ऑटोमोबाइल्स का इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी परिचय की बात करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, आप ऑटोमोबाइल शब्द सुन चुके होंगे। ऑटोमोबाइल का अर्थ ऑटो कार, मोटर कार या कार हो सकता है। जी, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोड पर चलती हुई गाड़ियाँ, चार पहियेदार और सब देखते ही होंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की। ये एक पहियेदार मोटर वाहन है जो सामान या यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। जी, ये क्लियर कर दिया है। ये एक पहियेदार मोटर वाहन है जो सामान या यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। हाँ बिल्कुल, यानी कि पहियेदार, यानी इसमें पहिए लगा हो। पॉइंट नंबर थ्री की बात करते हैं, जो अपने स्वयं के इंजन या मोटर को भी ले जाता हो। कहने का मतलब ये है, जिस गाड़ी में मोटर या इंजन लगा हो और वो खुद चलाता हो, इसका मतलब यही है। एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, बस, ट्रक, कार, ATC, बहुत सारे हैं ऐसे ही। मोबाइल शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द यानी ऑटोस, जिसका अर्थ होता है स्वयं। आपने सही सुना बच्चों कि ऑटोमोबाइल जो शब्द आया है प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका नाम है ऑटोस, उसका अर्थ होता है स्वयं यानी खुद। और लैटिन शब्द मोबिल्स, जिसका मतलब होता है जंगम, मोबिल लैटिन शब्द है मोबिल्स, जिसका मतलब होता है जंगम से प्राप्त हुआ है। इसीलिए ऑटोमोबाइल का अर्थ है एक वाहन जो खुद को चलाता है। अब पॉइंट नंबर फाइव की बात करते हैं। माना जाता है कि कार का अर्थ लैटिन शब्द कैरस या कैरम, इट मीन्स पहियेदार वाहन। कैरस और कैरम के मतलब होता है कि पहियेदार वाहन, या माध्य अंग्रेजी शब्द कैरे, जिस पुराने उत्तर फ्रेंच से हुआ है। जी बच्चों, अब पॉइंट नंबर सिक्स की बात करते हैं। इसके बदले में इन शब्दों को मूल शब्द क्रॉस, यानी कि इसका मतलब होता है एक गोलिक रथ, क्रॉस के मतलब होता है गोलिक रथ, इससे उत्पन्न किया गया है। अब पॉइंट नंबर सेवन की बात करते हैं। इस शब्द की अधिकांश परिभाषाओं में कहा गया है कि ऑटोमोबाइल मुख्य रूप से सड़कों पर चलने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिन्हें एक या एक से अधिक लोगों के बैठने की जगह या आम तौर पर चार पहिए होते हैं, और मुख्य रूप से लोगों और सामानों को परिवहन के लिए बनाए जाते हैं। जी, इस पॉइंट से क्लियर पता चलता है कि अब ऑटोमोबाइल्स क्या है, किसे कहते हैं। अब पॉइंट नंबर एट की बात करते हैं। इस इकाई में, यानी कि इस यूनिट में, आप एक पहिए की अवधारणा और एक पहिया गाड़ी की भूमिकाओं को समझेंगे। आप कई सौ से अधिक विकास के विभिन्न चरणों को भी समझेंगे। जी, नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे बच्चों, उनमें यही बताएंगे कि इन्वेंशन ऑफ व्हील, यानी व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ।